Hey everyone, welcome back to the channel. This is Dumbi. If you are new to the channel, please take a moment to hit the subscribe button and mention below. Sai Anu Jai Shri Shyam. दिन का समय और धूप भी तेज है, लू लग रही है, काम का क्रेज है। लू को लू लग रही है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि आपके पास कुछ बोलने के लिए ना हो तो आप कैसे गाना गा सकते हो। काम का क्रेज है, काम का क्रेज है। तूने मेरी डायरी पढ़ी नहीं है कभी? अगर किसी ने मेरी शायरी या फिर चीजें देख ली ना जो मैं दिखती हूँ, वही मर जाएगा आता तो। मरेगा क्यों, पागल है क्या? नहीं, दर्द है तेरी उसमें, तेरी शायरी में दर्द है, ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, इनने गलती से पढ़ ली थी एक दो लाइन। शायरी में तो गालिब से भी ज्यादा दर्द है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं शायरी नहीं लिखती, मैं कुछ पोएम टाइप लिखती हूँ, कहानियाँ लिखती हूँ। जो मैं कहानियाँ लिखती नहीं हूँ, मैं कहानियाँ रचती हूँ। जो मेरे ऊपर आप बीती होती है मैं वो लिखती हूँ, ताकि मैं जब मैं बूढ़ी हुई लिख पाऊँ कि इस डेट पे इस बंदे ने मेरे साथ क्या किया था। अरे वो नहीं लिखती मैं, पागल है क्या? आज मम्मी ने मुझे ये बोला, प्याज मुझे नहीं काटने आने आते थे, मुझे सुनाया इस बात पे। मैं तो ऐसा कुछ नहीं लिखती, मैं पोएम्स लिखती हूँ, बट वो मेरा हिडन टैलेंट है, वो मैं कभी सुनाऊंगी। उस डायरी में लिखा हुआ था कि वरदान थे, आज हमने जूस पिया, लेकिन जूस के पैसे वरदान ने दिए, फलाने ठिकाने बहुत चीजें लिखी। मैं डायरी में दिखाऊंगा अपने किसी दिन, चल दिखा दे ना। मिलियंस व्यूज आए उस पर बात रही। वैसे आजकल हमारा हर दूसरा ब्लॉग मोस्ट प्रोबेबली मॉल का ही होता है, क्यों? क्योंकि दिल्ली में गर्मी इतनी है, पनाह वहीं देते मिलती है हमें। एसी वाली बात भी नहीं है। दूसरा, हम अभी वी आर नॉट लिविंग टुगेदर, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू वर्क हार्ड आउटसाइड द हाउस। तो साथ रहेगा तो घर में ही व्लॉग बनाएगा क्या? ऑब्वियसली ब्रो, चलना बाहर घुमाएगा। मतलब बहुत सी चीजें की जो एटलीस्ट स्टार्टअप साथ में कर सकते हो, घर से स्टार्ट हो जाएगा। हमारे शादी के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली बात यही होगी। किसमें शादी के जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा ना हमारा भी, तो एक संविधान होना चाहिए मेरा भी एक। ठीक है फिर उसमें ये होगा कि मुझे हर महीने एक ट्रिप पे लेके जाएगा। हाँ, मेरे घर से खजूरी 3 किलोमीटर पड़ता है। अरे खजूरी नहीं जाना मुझे, तो आउटसाइड दिल्ली जाना मुझे हर महीने। हाँ ठीक है, खाटू श्याम जी चल लिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हर महीने क्या दिक्कत है। वहाँ तो मैं खुद ही चली जाऊंगी, तू मुझे क्या ले जाएगा, तू जैसे को 4-5 कॉल ले जाऊँ मैं। बट बढ़िया, प्लीज 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 मोटा भाई ले चलना यार, प्लीज भाई अभी पैसे नहीं, प्लीज कर पैसे नहीं अभी नहीं भाई, प्लीज यार। ये बात मैंने शादी की बात की बताई थी, क्योंकि तेरा पैसा मेरा पैसा, मेरा पैसा मेरा पैसा, अम्मा का पैसा वो भी मेरा पैसा, मम्मी का पैसा वो भी मेरा पैसा, मेरी मम्मी का पैसा वो भी मेरा पैसा, तुम सबकी चहेती हूँ मैं। तो चाहता कौन है? नहीं कमाना मुझे क्यों है, तुझे चाहता कौन है? मैं तो हाउसवाइफ बनूंगी बस, बाकी तुम सब काम करोगे मेरे को पालन पोषण अच्छा करने के लिए, समझे? तीन तीन जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी एक भैंस को पालने में। ऐसा है, लगता नहीं मुझे तुझे? मैं भैंस हूँ? तुझे क्या लगता है? नहीं पहले विश्वास था, पहले नहीं है, पागल क्या? मुझे लगता है, मतलब कहीं कहीं से कभी कभी खा लेती है ज्यादा, तो लगती है। अपन आपको देख ले, मेरे को तो कॉम्प्लीमेंट मिलना शुरू हो गया वैसे भी आजकल। किस बात के? पीपल सेइंग कि तेरी बॉडी अच्छी बन रही है, कुछ लोग मुझे एडमायर करने लग गए हैं कि मैं गोरी हो गई हूँ, लोग मेरी खूबसूरती से जलते हैं कुछ। जब आदमी का बुरा समय आता तो बुरी चीज को अच्छा कहने लगता है। गरीबों की शॉपिंग मॉल हमारा तो भाई सीधा, मैं तो तुम्हें बताइए, अब तो मैं शिफ्ट हो गया, मतलब जारा वारा पे, इनको बच्चों को जूलू से दिलवा देता हूँ मैं। बच्चे, तू बड़ा बुजुर्ग हो रहा है ना मेरा। कितना इधर पैर का साइज? 37 भी नहीं पहुँच रहा। क्लिक करना, जा तो रहा 37, देखना 35, सॉक्स पहन के 37 हो जाएगा, मतलब 4 नंबर है। देख, हाँ 4 नंबर, 5 बड़ा है 4 छोटा है। बेइज्जती तब होने कोई इज्जत हो। तो पूरी सिर्फ बाइसेप्स में शूट होने शुरू किया। हर छुट्टी पे शॉपिंग तो जरूरी है। छुट्टी पे शॉपिंग नहीं होती तुम्हारी?
और जब आपके बॉयफ्रेंड की सैलरी है उस दिन में शॉपिंग, छोटी की शॉपिंग नहीं होती तुम्हारी, हर 7 तारीख को करते हो बस तुम। ब्लेस्ड विद द बेस्ट, बस ऐसी शॉपिंग करा दे तेरे साथ रहूंगी। हर जिंदगी में हर डेट 7 तारीख होनी चाहिए हर जिंदगी। पहले एक बात देख, हम दोनों साथ में एक साथ रहते हैं, अब मैं तेरे से ज्यादा गोरी नहीं दिख रही हूं। अरे मैं धूप में से आ रहा हूं, थोड़ा जल गया भाई। मैं भी तो धूप में से आई हूं तेरे साथ। तो तुम लड़की हो ना, तुम पुताई लिपाई ज्यादा करती हो। भगवान का सर, आज मैंने फाउंडेशन ही नहीं लगाया। अभी मैंने यूं कर दिया ना यहां, लगा दे, चल लगा दे, कर दे, कर दे। देख ले, मेम भी आती है आजकल। मैं ऐसा करने को तुरंत मेम भी लगा दूंगा। हां ठीक है, देख ले अब तू। तू देख ले, डर रहा है तू, डर रहा है क्या तू? नहीं देख ले फिर, तू डर रहा है क्या? देख, ये देख, सच में वाइट वाइट से हो गया आज मेरे। अपनी तरफ से देख ले, अभी भी तेरे से गोरी है। अबे यार, ये जो कोलैबोरेशन की क्रीम लगाई घूम रही है तू। बट एक बात बोलूं, ये मैं मतलब Instagram पे डालूंगी ये वाला रिव्यू, 7 दिन होने वाला मेरे। प्लस उसने हां 7 डेज यूज करने को बोला था तुझे। हां उन्होंने बोला था 7 डे यूज करो कि रिजल्ट आपके सामने होगा। मैंने सच बोल रही हूं, आपने सिर्फ आईब्रोज लगा रखी है आज, मतलब वो आईब्रो बनाई रखी है, और मैंने फेस पे लिपस्टिक लगा रखी है और लाइनर लगा रखा है, लेकिन क्या बोलते हैं कोई क्रीम या फिर कुछ ऐसा फेस पे कुछ नहीं लगा रखा, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या बोलते हैं मुंह फेस वॉश से धोया था, उसके बाद मैंने वो लगाया था क्या बोलते हैं सनस्क्रीन, बस। मैं तो नेचुरल ब्यूटी हूँ, ये देखा कुछ भी नहीं है। मैं कह रही व्हाइट टिश्यू पेपर देता हूँ, उससे छुड़ा के भी दिखा दूंगी, वो भी काला हो जाएगा। नहीं यार, क्योंकि मैंने आज फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं लगाया, बस मेरी नेचुरल स्किन है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोडक्ट्स है, मेरा वो 3 ग्राम की क्रीम है। मैं कुछ टाइम में उसका एक रिव्यू डालूंगी, अच्छी खासी वीडियो डालूंगी इसकी, इंस्टाग्राम पे भी डालूंगी और प्लस यूट्यूब पे भी बीटा शॉट डालूंगी उसका, तो देखना। मैं सही बोल रही हूँ, ऑर्डर करना, क्योंकि यार कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, प्लीज़ उसको पे करके ही खरीदना। गारंटी मैं दे रही हूँ, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, होम मेड क्रीम है, मज़ा आ जाएगा आपको। मैं तो नेचुरल ब्यूटी भाई, तुम बताइए उससे कोई नहीं लगना, कोई बताऊँगा। ये भी वही लगाने की सोच रहा है, मुझसे कह रहा था आधी निकाल के मुझे दे दे। तो शॉपिंग वॉपिंग तो हो गई है हमारी बढ़िया सी, ओनली इसकी हुई है यार। इसको मैंने बोला था कर ले, तो इसने बोला लक्ष्मी नगर से ही करूंगा क्योंकि मैं चीप लोग। मैंने ज़ारा बोला था ब्रो, ज़ारा नहीं बोला था, ज़ारा के लिए ज़ारा जैसे कमाई करनी पड़ती है। बट हाँ, जैसे कि ना हमें बहुत सारे मैसेजेस वगैरह आते हैं हम दोनों को, लोग हमारे पीठ पीछे भी बातें करते हैं, मैसेजेस नहीं, पीठ पीछे जो बुराई होती है कि ये लोग कमाते, मतलब एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करते भी हैं और फिर बहुत सी चीज़ें कर लेते हैं, कैसे होता है। देखो सभी सबकी लाइफ में ना ये वाला पार्ट जरूरी है। इफ यू आर इन 9 to 5 तो पैसा आने वाला लिमिटेड ही होता है और खर्च करने वाला अनलिमिटेड। लाइक इफ आपकी सैलरी 15,000 है तो आपके एक्सपेंसेस 30,000 के हैं अभी भी, ये भी है। बट एक जो 9 to 5 वाली शिफ्ट वाले लोग हैं ना, वो उस चीज़ को मैनेज कैसे करते हैं वो सीखने के लिए ना आपको भी 9 to 5 करनी पड़ेगी। नहीं सबसे बड़ी बात है क्या, मैं आज से 6 महीने पहले पीछे हम जाते हैं तो पर मंथ का हम जो एक्सपेंडिचर रखते थे, मैं इंडिविजुअल बता रहा हूँ, 10 से 12 हज़ार रुपये एक बंदे का था। हाँ। जो अपने ऊपर बंदा खर्च करता था, जिसमें कि आप अनलिमिटेड खर्चा कर रहे हो, आपको जो पसंद आ गया वो आपकी जेब में और जो आपको पसंद आ गया वो आपके शरीर पे, मतलब आपकी बॉडी फेयर वेयर लगा के सब कुछ लगा के। लेकिन अब वो चीज़ हम इंडिविजुअली 5,000 में कर रहे हैं तो चीज़ें बहुत आराम से हो जाती हैं। लेकिन अगर आप मैनेज कर रहे हो तो आपको ये डिसाइड करना है कि कहाँ पैसा अननेसेसरी जा रहा है, जो कि मैनेज हो सकता है, जो आज इतना जरूरी नहीं है। सबसे बड़ी बात ना, हमें आपको ना लिक्विडिटी चेक करनी पड़ेगी, आपके महीने में लिक्विडिटी कहाँ पर हो रही है। हमारी लिक्विडिटी पे कहाँ पे होती थी पहले? कपड़ों पे। नहीं, कपड़ों पे नहीं होती, ट्रैवलिंग पे। हमारी ट्रैवलिंग पे भी होती थी, प्लस हमारा क्या था, तुझे पसंद आ गया तू लेगा, तू लेगा। अरे अबे तुझे पसंद आया, चल वे अगले महीने अपने फेयर में से बचाइयो तब लियो। अब सेपरेट हो गई वो चीजें, ये बाबू सोना बच्चे से ऊपर आ जाओ थोड़ा सा तो हो जाएगी, जो लीकेज है ना वो पकड़ में आएगी। ऐसे लोगों पे लीकेज हो जाती है, लीकेज। शी इज द ओनली वन, ओनली रीजन, शी इज द ओनली रीजन। बट जनरली भाई मैं ये कह रहा हूं, अगर इंडिविजुअली आप कर रहे हो ना, पर सबसे पहले ये देखना है कि पैसा फालतू में जा कहां रहा है। और हमने बहुत गलतियां की पिछले 4-5 सालों में, तो मतलब अंधा ही मैं समझ रहा हूँ, कुछ बचा है नहीं। नहीं यार, एक बात बोलूँ, हमने अपने काम के पर्पज से, एक बात बोलूँ, कम सैलरी में एक साल में 5 से 6 ट्रिप मारनी, वो अलग ही बात है। मतलब भाई शिमला शिमला में मोटा पैसा लग गया था, तो मतलब वही है, आप लिमिटेड पैसे में आप घर भी मैनेज कर रहे हो थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं कर रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं करते भाई हम, तो घर वाले अभी घर वाले इतना वो नहीं करते, हम पूरा नहीं करते मैनेज अपने अपने घर को कि पूरी सैलरी हम हमारी घर में जाता। बट हाँ, हमारा यूट्यूब का जो मेन खर्चा होता है, जिस दिन हम अपना यूट्यूब पे निकलते हैं तो उस दिन लोगों को लगता है कि नहीं लगता होगा पैसा, क्या है ये नहीं। बट एक बात बोलूँ, सबसे ज़्यादा इसी पर लग रहा है, ज़्यादा उसी टाइम लगता है, उसी दिन जिस दिन वीक ऑफ होता है तो ब्लॉग बनाने जा रहा है भाई, बहुत ज़्यादा पैसा उस दिन लग जाता है। तो वही है, करना पड़ता है। और एक बात बोलूँ, अगर
किसी काम में रिस्क लिया ना, इसका अपना भी हो जाता है जब आप काम करने लगे। हो रहे मेरी जान, गाली भी रोके पीछे बैठा जी। चलो ज्यादा दादा पकाने लोगों को। सो फाइनली आई एम बैक होम। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और टू नॉट स्टॉप अंटिल यू टच द स्काई। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।